प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या है क्या ये? घोड़े ने भेजा हुआ सुंदर टूट गया। सुंदर ने एक पार्सल भेजा था ना जेठावा के लिए, उसमें एक घोड़े की मूर्ति थी, वो अभी टूट गई। ये मूर्ति मतलब ये जेठावाई का पार्सल? हाँ। और आपने तोड़ दी? अरे नहीं, मैंने नहीं तोड़ी, मतलब गलती से टूट गई माधवी। क्या हुआ, मैंने पार्सल खोला और इसमें से वो मूर्ति निकली, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी मूर्ति है तो मैं तुम्हें भी दिखाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया भी, और मेरा पैर यहाँ पे लग गया और वो गिरकर टूट गई। और माधवी 80,000 की मूर्ति है। क्या? आपको पार्सल को खोलने की जरूरत ही क्या थी? मैंने जानबूझ के नहीं खोला माधवी। तो क्या अपने आप खुल गया? अरे मजा ऐकून तक है, मतलब क्या हुआ था, जब पार्सल यहाँ पे आया ना तो वो ऊपर से फटा हुआ था, तो मुझे शंका आई कि अंदर की चीज कहीं डैमेज तो नहीं हुई, अगर डैमेज हुई तो मेरे पे नाम आएगा ना, क्योंकि मैंने पार्सल रिसीव किया है, तो ये शंका मिटाने के लिए मैंने वो पार्सल खोल के देखा। शंका शंका अति शंका, भोगा आता परिणाम। पता नहीं माधवी जेठालाल मुझे क्या पनिशमेंट देगा। सॉरी क्या, जब मुझसे कोई गलती होती है तो शिक्षक मुझे शिकारी बन के मेरे पीछे पड़ जाता है। आ जाया ऊंट पहाड़ के नीचे, निकाल 80,000 निकाल। अरे मेरे पास 80,000 रुपए नहीं है। तो ठीक है, कल से मेरी दुकान पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 8,000 रुपया महीना, 8 महीने के लिए काम करने आ जाना। 8,000 रुपए 8 महीने के लिए तो 64,000 होते, उसके लिए तो 10 महीने काम करना पड़ेगा। अरे भाई मैंने दिवाली का बोनस भी गिना था, लेकिन ठीक है तुझे बोनस नहीं चाहिए तो 10 महीने आ जा। नहीं, सॉरी बोला ना। माधवी मुझे जेठा की दुकान में नौकरी नहीं करनी। काय बोलता है तुम्हें? अरे हाँ, वो मुझे बोल रहा था कि तुम मेरी दुकान में नौकरी करो, 8,000 रुपया 8। काई नहीं। माधवी हम लोग 80,000 रुपया दे दे। क्या दे दे, क्या दे दे, वेट लग रहा है, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? अरे 80,000 हमारे कितने महीनों की कमाई होती है पता है आपको? काय करायचं आता, काय करायचं? ए माधवी, अचार और पापड़ का भाव डबल कर दे। जो बिक रहा है ना वो भी बिकना बंद हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैंक से लोन ले लीजिए। अरे लोन क्या बोल के लोन लू, मूर्ति टूट गई इसे लोन चाहिए? अच्छा लोन मिल भी गया समझो तो 1,00,000 तक जाएगा मालूम है। नहीं, लोन नहीं ले सकते। माधवी हम लोग इसे चिपका कर चुपचाप पार्सल में रख दे तो? आप चीटिंग करेंगे? अरे मजबूरी है माधवी, अभी हम लोग 80,000 रुपए नहीं दे सकते। अभी सुंदर ने कितने प्यार से इतना कीमती पार्सल भेजा है जेठालाल के लिए, हालात ऐसे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पर हम झूठ नहीं बोल सकते, जेठा भाई के सामने जाएंगे ना तो सच अपने आप बोल देंगे। माधवी एक काम करते, क्या हम इस मूर्ति को चिपकाते और ये पार्सल हम लोग सोड़ी को दे देते और उसको बोल देंगे तुम जेठालाल को दे दो, हम लोग को आते आते बहुत देर हो जाएगी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, अस्सस करिया, तुम ड्रावर में से गम निकालो जल्दी से जल्दी।
बेटा कसो होते है? हाँ ये ऐसा है ना हाँ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है हाँ चिपक गया एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं सावकाश हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है चिपक गया ये काम करते माधवी इसको वापस पैक करते और सोड़ी के पास देकर आते कितना टेंशन ले रहे हो आप थोड़ा हंसता हुआ चेहरा रखिए अच्छा रोशन भाभी भाभी ज्यादा हो रहा है हाय तू अरे माधवी भाभी भीले भाई सैफ जी अवनी अवनी नहीं नहीं ठीक है अच्छा बोलिए बोला सूट है यू वो क्या है रोशन भाभी कि मुझे पाटिल साहब का फोन आया था कौन पाटिल नहीं मतलब हमारे कस्टमर है पाटिल साहब उन्होंने एक्चुअली माधवी को फोन किया था आचार पापड़ का ऑर्डर देने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है हाँ वो तो दिख ही रहा है बहुत मोटा ऑर्डर है हाँ नहीं नहीं ये ऑर्डर का नहीं है ये कुरियर से पार्सल आया है जो सुंदर भाई ने भेजा है अहमदाबाद से जेठा भाई के लिए हाँ पर जेठा भाई इधर नहीं आए हैं नहीं नहीं वो पता है जेठा भाई यहाँ पे नहीं है वो क्या है जेठालाल और फैमिली पुणे गई है कुछ काम से अच्छा तो ये जो पार्सल है हम लोग दे आते हैं एक्चुअली लेकिन क्या है हमें अभी वो ऑर्डर देने के लिए बाहर जाना है ना तो ये जो पार्सल है वो आप जरा प्लीज या तो सोड़ी या तो आप दोनों मतलब जैसा आप ठीक समझे जैसे ही जेठालाल आते हैं वो आप जरा देखे आएंगे उनके घर पे प्लीज अरे यार चौकस ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या थैंक यू तो कहाँ रखूँ सर आइए ना आइए टेबल आना हलो हलो सॉरी आपको तकलीफ दे रहे थे अरे इसमें तफलीक की बात क्या है ये तो हर पड़ोसी का फर्ज है अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा हाँ बरोबर है अच्छा आप लोग बैठिए मत पुडना वाली चाय बनाती हूँ नहीं नहीं चाय फिर कभी हम लोग अभी निकलते हैं हाँ और रोशन भाभी क्या है ये पार्सल जरा संभल कर देना प्लीज बहुत कीमती सामान है इसके अंदर क्या है सुंदर ने एक्स्ट्रा पैसे देकर अहमदाबाद से खास ये कुरियर भेजा है जेठालाल के लिए अच्छा हाँ तो जरा प्लीज ध्यान रखना डोंट वरी हाँ वो इतना डेलिकेट है ना कि अंदर जो ओके बाय बाय छोड़ कोई आ जाएगा आ जाएगा तो आने दो यार हम डरते हैं किसी से अपनी बीवी से रोमांस करता हूँ सोनिया आ जा रोशन हुआ क्या और उन लोग ने मुझे ये कहा था कि इसके अंदर बहुत बहुत कीमती चीज है और इसमें है क्या इधर मैं देखता हूँ अरे
हाँ, कभी कभी नाखून होने का कितना फायदा होता है सोनिए। क्या होगा इसमें यार? हैं? कमाल है, वो ये तो घोड़े की मूर्ति है। और इसके पैर किधर है? हाँ? ओ खुदाई रोशन, पैर इधर है। तूने घोड़े के पैर तोड़ दिए। रोशन, हाय जॉनी, ये तो पूरी 1000 की मूर्ति है। ओए रब्बा, 1000 की मूर्ति, सवेरे सवेरे इतना बड़ा नुकसान। अभी क्या करेंगे रोशन? मालूम नहीं। मैं एक काम करता हूँ, और जेठा प्रागो 80,000 रुपया दे देता हूँ। वो तो ठीक है रोशन, लेकिन दया बहनी टूटी हुई मूर्ति देखेगी तो उनको कितना कितना दुख होगा। हाँ रोशन, वो दया पापी जी का तो हम पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। वो कहेंगी कि मेरे भाई ने एक मूर्ति भेजी, वो भी तुम लोग मिलकर संभाल नहीं पाए। एक काम करते हैं, सेम टू सेम ऐसी मूर्ति खरीद के इसमें डाल के उनको वापस दे देते हैं। पर ऐसी सेम टू सेम दूसरी मूर्ति किधर से मिलेगी? और उससे पहले दया बहन और जेठा भाई हम लोग के पास कुरियर लेने आ गए तो? ओए फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी रोशन, फिर क्या करें जल्दी बताओ। एक काम करते हैं, इसी को ही जोड़ देते हैं और वापस इसमें डाल के उनको दे देते हैं। नहीं रे नहीं रोशन, ये तो गलत बात है ना, आई तो चीटिंग छे। ओए रोशन, वो अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने से कोई गलती हो जाए तो वो गलती नहीं होती। वो सुनिए तो एक बात तो सोच, अगर ये मूर्ति का पैर जोड़ने से दया भाभी का दिल टूटने से बच जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यही सही बात है, तू ज्यादा मत सोच। और सोचने का काम हम लोग बाद में करेंगे, तू अभी एक काम कर, अंदर से फटाफट गम लेके आ जा। जा जा जा। वाहेगुरु जी। लो जी, एक पांव तो चिपक गया। रोशन, तूने उसका पैर उल्टा चिपका दिया है। तेरी, वो क्या कर रहा है थोड़ी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है। ए सुनिए, हो गया, एक बार रीचेक कर ले। गोलमाल है, गोलमाल, गोलमाल। ठीक है, अरे काम कर, इसको फटाफट मैं पैक कर देता हूँ और दया पापी और जेठा प्रा के आने के बाद उनको देके आ जा। नहीं रे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। ओए सुनिए, अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ जाकर सच बोल दूंगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तुम मुझे क्या झूठ बोलने में कोई मेडल मिला हुआ है? मैं भी झूठ नहीं बोल सकती बाबा। एक काम करते हैं, डॉक्टर आती है और कोमल भाभी को देके आते हैं और वो जेठा प्रा और दया भाभी को बचा देंगे। क्यों? चल चल सोनिया, फटाफट देखे आते हैं। हाँ, चल चल। अरे वाह, लेकिन अभी कमाल की शर्तें लगाते हो अपने दोस्तों के साथ। ओ माल नहीं आती ब्रा। गुड मॉर्निंग सोडिक। अरे वाह, इतने बड़े बॉक्स में मेरे लिए मिठाई लेके आए हो? ओ इसमें मिठाई नहीं, इसमें मूंगफली है। मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। क्यों रोशन, तुझे पता है ना, तू बता। हाटी भाई, वो क्या है ना, सुंदर भाई ने अहमदाबाद से जेठा भाई के लिए कोरियर भेजा है और जेठा भाई तो बाहर गए और हम भी थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं, इसलिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप ये कोरियर जेठा भाई को दे देंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दे दूंगा, एक मिनट। थैंक यू रोशन, थैंक यू आतिब्रा। हाँ, वेलकम। जरा संभाल। हाथी भाई, इसमें ना बहुत बहुत कीमती चीज है, स्पेशल कोरियर है, सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर अहमदाबाद से भिजवाया है, तो जरा संभाली ने बराबर जेठा भाई को दे देना। हाँ अरे रोशन भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं पहुँचा दूंगा। थैंक यू। चल। अरे सोडी, रोशन भाभी आप लोग रुकिए, आती होगी कोमल, चाय नाश्ता करके जाइए ना। अरे हाथी ब्रा, वो बोला ना हम लोगों को थोड़ी देर में कहीं बाहर जाना है और फिर तैयार भी होना ना नेक्स्ट टाइम। हाँ थैंक यू। चल चल चल। हाँ तो गधा क्या? नहीं नहीं, आपको गधे ने लात मारी है ना?
देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन नहीं। क्यों नहीं? अरे आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप गधे की लात खा सकते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं। अरे सुनो तो, अरे कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या किया? अरे रुको, अरे पागल, अरे जेठा भाई का पार्सल गिरा दिया। अरे पेशेंट था लेकिन देखो ना, उसने ये पार्सल गिरा दिया। ये क्या है, किसका पार्सल है? जेठा भाई का, सुंदर भाई ने अहमदाबाद से भेजा है। और बहुत जोर से आवाज भी आई। हंस, क्या होगा इसमें? देखता हूँ। एक लगता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हंस, हंस टूटा तो नहीं होगा ना? अरे बाप रे, ऐसा मत बोलो कोमल। और घर में कार्गो टेप है? हाँ है। फिर मैं खोल के देखता हूँ। अरे बाप रे, हंस! ओह माय गॉड, ये तो 80,000 रुपए का है। अरे 80,000 का? अब क्या करें? कोमल, हम लोग जेठा भाई को क्या कहेंगे कि एक गधे की वजह से उनका घोड़ा टूट गया? हंस, एक ऐसा धर्म संकट है, सच बता नहीं सकते और झूठ छुपा नहीं सकते। कोमल कुछ भी हो, इसे संभालने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की थी ना। क्या करें? कोमल एक काम करो, गम लेके आओ। दाम दे दाम दे दाम दे दाम आया दे दाम दे मडरा। अरे अरे डॉक्टर आदि, कोमल भाभी नमस्कार, आइए आइए, वांग बैठिए। नो दैट्स ओके अय्यर भाई। अरे ये क्या है? पार्सल है, अहमदाबाद से सुंदर भाई ने जेठा भाई के लिए भेजा है और उनका घर बंद है, तो जेठा भाई हैं तो आप उनको दे दीजिएगा। हाँ। अरे जेठालाल का पार्सल है तो फिर आप, मैं तो आपके घर पर दे दो। वहाँ कोई नहीं है, सब बाहर गए। अच्छा, तो आत्माराम के घर पर दे दो, वहाँ तो घर पर होता ही है। वो लोग भी घर पर नहीं, सब बाहर गए। तो फिर रोशन सिंह सोडी के घर पर दे दो, वो घर में जरूर होगा। Unfortunately, वो लोग भी बाहर गए हैं। आज सोसाइटी में सब लोग बाहर गए। हाँ, हम भी बाहर जा रहे हैं, संडे है ना, तो प्लीज आप ये पार्सल जेठा भाई को दे दीजिएगा। डॉक्टर आरती, टू बी ऑनेस्ट, देखिए सोसाइटी में ये पार्सल किसी का भी होता ना तो मैं रख लेता। हाँ, स्वीट। लेकिन जेठालाल का पार्सल मतलब गड़बड़। देखिए मैं इधर झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अरे इसमें झमेले वाली कोई बात ही नहीं है यार भाई। डॉक्टर आदि, फिर भी आप मेरी बात समझिए, देखिए मेरे को ये सर दर्द नहीं चाहिए। तो मैं आपको सर दर्द की दवा भी दे दूंगा। देखिए डॉक्टर आदि, सॉरी मैं ये पार्सल नहीं रखूंगा, सॉरी प्लीज। चलो हंस। चलो। डॉक्टर आदि, ये पार्सल। सॉरी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। लीजिए लीजिए, आराम आराम से। आप लोग यहाँ पे? वो एक्चुअली बबीता, क्या हुआ ना, ये ओहो, ये अय्यर भी ना। I'm so sorry. आप मुझे दे दीजिए ना, मैं दाई भाभी को दे दूंगी। Thank you, thank you. How sweet of you, Babita. It's okay. Thank you so much. Most welcome. Babita ji, बहुत कीमती है। Parcel?
सुंदर भाई ने स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे देके अहमदाबाद से भिजवाया है। प्लीज जरा ध्यान से जेठा भाई के घर भिजवा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। ऊपर आइए ना आप लोग, घर पे चाय नाश्ता करते। बबीता जी, अगर आप थोड़ी देर पहले अपने घर के दरवाजे पे मिल गई होती तो मैं जरूर नाश्ता कर लेता, लेकिन अब इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप नाश्ता मेरे घर पे भिजवा दीजिए। He's just joking, you know. Okay, I know, yeah. Okay, bye, I'll see you. Bye. Oops, it's heavy. Yeah. अब तुम भी क्या मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। हाँ? दोस्तों, गोकुल धाम में इन दिनों एक कहावत बड़े जोरों शोरों से अपना रंग जमा रही है। कहावत भी बड़ी रोचक है, आ बेल मुझे मार। अरे ये तो सचमुच आ गया। सचमुच हाल ऐसा ही है गोकुल धाम में, हाथी भिड़े सोड़ी सब ने पार्सल लेके मुसीबत को अपने गले लगा लिया। डॉक्टर हाथी ने सोचा कि ये पार्सल मैं अय्यर को दे आऊं, लेकिन अय्यर साहब ठहरे साइंटिस्ट, बड़े समझदार आदमी है, तुरंत मना कर दिया। वैसे जिंदगी में कई बार मुसीबतों से बचने के लिए आदमी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लेकिन बबीता जी ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए दिमाग का नहीं और मन का दिल का सहारा लिया और पार्सल ले लिया। अब देखना यह है कि जब ये पार्सल बबीता जी के हाथ में देखते हैं अय्यर तो क्या रिएक्ट करते हैं और इस पार्सल का क्या हश्र होगा अय्यर के घर में। और देखना यह भी है क्या जेठालाल जब वापस लौटेंगे और जब उन्हें पता चलेगा इस पार्सल के हालात के बारे में तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पार्सल लेने सुंदर के दोस्त आएंगे तब जेठालाल क्या करेंगे, और हाथी भिड़े और सोढ़ी इनकी गलती जब इन्हें चैन से जीने नहीं देगी तब क्या करेंगे। भाई धमाके और धमाल इतने हैं कि मैं कितने बताऊं। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.